हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। तो आज हमारा सबसे पहला न्यूज है देसी गेमर्स और अर्पण गेमिंग के बारे में। तो अर्पण गेमिंग रिसेंटली एक वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि यूट्यूब के नोटिफिकेशन प्रॉब्लम की वजह से उनके वीडियोज के व्यूज ठीक तरह से नहीं आ रहे, और रिक्वेस्ट किया अपने सब्सक्राइबर्स से कि वो चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन ठीक तरह से जाए। आप उनके चैनल पे जाके उनको सपोर्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर कल देसी गेमर्स यानी कि अमित भाई लाइव स्ट्रीम में बात किए इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अर्पण जो है वो देसी गेमर्स यानी कि अमित भाई के बहुत पुराने दोस्त है। तो उन्होंने क्या कहा था अपने लाइव स्ट्रीम में, उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अर्पण भाई के साथ खेलो। अरे हाँ, अर्पण है क्या ऑनलाइन? अर्पण का मैंने सुना था कुछ यार गाइस। अरे मर्ज आ गया गाइस, अर्पण गेमिंग भाई यार होता है सर, हम समझ सकती भावनाओं के यार। सर यार गाइस, अर्पण को मैंने 1 मिलियन में पुश किया था, आई नो दैट। गाइस देखो, मैं साफ साफ बोलता हूँ, ठीक है, ये कोई भी क्रिएटर यूज कर सकता है। अगर मेरे से खेलने से किसी क्रिएटर का लाइक ऐसा नहीं, मैं सबके साथ मैं खेलना भी नहीं चाहता, क्योंकि भाई यहाँ पर जो मतलब जिसको अच्छा कहना गाइस वही लोग टांग खींचते हैं, आपको पता ही है। बट अर्पण ने जिस वे में वीडियो डाला, अर्पण उससे अच्छा गाइस कि मेरे को बोलता है एक बार कि अमित भाई ऐसा हो रहा है। कहीं देखो क्रिएटर में कुछ हो तो यार एक बार शेयर करो ना आप लोगों के साथ यार। अर्पण मेरा दोस्त है, वो मेरे से कुछ शेयर ही नहीं करता। अब उसकी भावनाओं को मैं कैसे समझूं? अगर मेरे को किसी क्रिएटर से प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट बोल तो दो, एटलीस्ट बोलो तो सही कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो हम समझेंगे उस प्रॉब्लम को। बट ऐसा नहीं है कि मैं सबके साथ कॉलेब अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ना बोल के रखा है। अभी एक एक करके करके जाऊंगा तो भी 10-15 क्रिएटर है, तो इसीलिए मैं सबको ना बोलता हूँ। बट अर्पण का अलग केस है ना, उसका मतलब मैं किसी का चैनल डेट करके ये सब नहीं करना चाहता ना। अर्पण एक बहुत बड़ा क्रिएटर है, वो मेरे से बहुत पहले यूट्यूब पे आया है। मेरे क्या हर कोई क्रिएटर सबसे पहले यूट्यूब पे आया है अर्पण, और भाई वो बोले तो हम लोग उसके साथ वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, तो मैं तो भाई दिन में 3 वीडियो भी रेडी हूँ। वैसे गाइस, देसी गेमर्स के बारे में एक और न्यूज है। तो रिसेंटली स्काईलॉर्ड अपने वीडियो में देसी गेमर्स को चैलेंज किए थे कि वो अपने नॉर्मल वीडियोस के साथ साथ कभी कभी ऑडियंस को जागरूक करने का मैसेज भी डाला करो, ताकि वो किसी ऐसे वैसे स्कैमर से स्कैम ना हो। तो अमित भाई इसी टॉपिक के ऊपर बात किया था अपने लाइव स्ट्रीम में, तो स्ट्रीम का छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। भाई एक्सेप्ट स्काईलॉर्ड चैलेंज, उन्होंने क्या चैलेंज दिया फिर भाई? जरूर करेंगे यार, अच्छा होगा। तो ये चीज को बताना पड़ेगा, इस सब ऑडियंस को एक बार बताऊंगा। तो यही चीज उसने बोलने के लिए बोला है। ओके, कोई बात नहीं, कर देंगे ना, अच्छी बात है, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस पहली बात सुनो, देखो अभी कम लोग देख रहे हैं, इसी कोई बात लाइव स्ट्रीम में बोलना सही भी नहीं रहेगा, बट मैं अभी बोल देता हूँ, 14,000 लोग भी एक्टिव रहेंगे। कोई यूट्यूबर आईडी पासवर्ड मांगे तो मत दो, कोई भी हो देना ही नहीं, कुछ भी हो। अगर मैं ही मांगू, एकदम वीडियो कॉल करूँ, ऑडियो कॉल करूँ, कुछ भी करो, मत दो भाई। अगर तुमको मैं डायमंड्स देना होगा मेरे को, मैं तुमको सीधा कोडा सबसे परचेस कर दूंगा ना यू आई डी लेके। आईडी पासवर्ड किसी को भी नहीं देना, कोई भी हो। डायमंड के चक्कर में अपना प्रोफाइल ले जाओगे, फिर डुबा बैठोगे। उस टाइम मत बोलना भाई अमित भाई ने दिया था ये वो। मैं किसी को भी नहीं करता, मैंने आज तक नहीं किया, मैं करूंगा भी नहीं। अगर मेरे को कुछ भी सेंड करना होगा तो डायरेक्ट तुम्हारे आईडी पे मैं सेंड कर सकता हूं। इतने सारे वेबसाइट्स हैं। गाइस बढ़ते अगले न्यूज की तरफ, हम बात करने वाले स्काईलॉर्ड के बारे में। तो आपको शायद पता होगा कि स्काईलॉर्ड हमेशा से ही पीसी पे फ्री फायर खेलने के सख्त खिलाफ रहे हैं, पर वो खुद लाइव स्ट्रीम में पीसी पे खेलते थे, क्योंकि उनके पास फोन को एलगाटो के साथ जो कनेक्ट करता है प्लग वो नहीं था। पर फाइनली उनको प्लग मिल चुका है और उनका जो अगला स्ट्रीम होगा शायद उसमें वो फोन पे ही खेलेंगे। जी हाँ, वो ऐसा ही कुछ बोले अपने स्ट्रीम में। तो स्ट्रीम का छोटा सा पार्ट मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अगली स्ट्रीम जो मेरी होगी वो फोन में होगी, बिकॉज आज मेरा वो आ गया, डिलीवर हो गया मेरा जो प्लग लगता है ना उसमें पीसी टू फोन, वो मेरा आज डिलीवर हो गया। गाइस बढ़ते अगले न्यूज की तरफ, हम बात करने वाले ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ज्ञान भाई हर रोज लाइव स्ट्रीम करते हैं, पर कल वो लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए। इसका रीजन बेसिकली ये है कि उनके वहाँ पे एक पार्टी थी जहाँ पे गाने बज रहे थे बहुत जोर से, तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने इंस्टाग्राम में कुछ ऐसा बोला था। तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? गाइस आई एम रियली सॉरी गाइस, आज लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गाइस नीचे हमारे दीदी का बर्थडे है गाइस। ओके, तो उसके लिए जेबिल चल रहा है और गाइस साउंड को बहुत दिक्कत होगी, और आप लोगों को पता है गाइस बैकग्राउंड में साउंड तो क्या होती है गैस। ओके, तो गैस दिक्कत आएगी, तो गैस कल लाइव स्ट्रीम होगा, और गैस कल फोन का गिवअवे भी है, कल कर लेंगे गैस। ओके गाइज, अब बात करते हैं कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। तो टीएसजी लेजेंड कंप्लीट कर चुके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और देसी गेमर कंप्लीट कर चुके 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो मैं कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।